अफगानिस्तान में 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। जब काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया तो वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपना देश छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ के लोग भी अपनी जान बचाने के लिए भी देश छोड़ना चाहते हैं, जिस वजह से अफगानिस्तान की सड़कों पर जाम लगा हुआ है और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। देश छोड़ने के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लिखा है कि अगर वो अफगानिस्तान नहीं छोड़ते तो अनगिनत लोग मारे जाते। खून की नदियां बहने से बचने के लिए मैंने सोचा कि देश से बाहर जाना ही ठीक है। बता दें कि ऐसी भी खबर थी कि उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी देश छोड़ दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि वह देश में ही हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इसका भारत पर क्या होगा असर, ये भी आपको समझना जरूरी है। भारत के साथ संबंधों को लेकर जब जबीउल्लाह मुजाहिद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम भारत समेत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। तालिबानी नेता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस बात पर जोर दिया कि वह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे, जबकि उनका यह भी कहना था कि भले ही पहले हमारे संबंध भारत से अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब हम बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद और किसी तालिबानी नेता के हाथ में सत्ता आने से भारत के संबंध अफगानिस्तान के साथ खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और डॉक्टर अब्दुल्ला के हाथ में सत्ता आई तो अच्छे रिश्ते बने रहने की उम्मीद है।